बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था जी के एसएमएस मार्केटिंग बेसिकली क्या है, और उससे पिछले लेक्चर में हमने फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस किया था। जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के बारे में है, ठीक है। आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो आउटलाइंस क्या हैं कि व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग क्या है, इनसाइट क्या है, ईमेल मार्केटिंग की स्टैट्स एंड फैक्ट्स देखेंगे कुछ, हाउ टू डिवाइस अ सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग प्लान ये भी हम देखेंगे, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, ये सारे इसके अंदर स्टेप्स आ जाएंगे, डिटरमिन द कॉन्टेंट ऑफ योर ईमेल, डिटरमिन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, क्रिएट अ टाइमलाइन एंड देन बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो स्टार्ट करते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या चीज़ है। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली reference to the act of sending commercial messages to a group of potential customers via email. Email marketing basically हमारे पास एक activity है जिसमें हम क्या करते हैं, send करते हैं commercial message to a group of potential customers via email. Basically हम अपना message email के through अपने customers तक पहुँचा रहे होते हैं, और जो email marketing मतलब कि customers को भेजी जाए इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, उसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ईमेल सेंड टू द कस्टमर्स कैन बी कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग। जो ईमेल हम कस्टमर्स को सेंड करते हैं सिंपली उसको ईमेल मार्केटिंग बोला जाता है, ठीक है। सो दीज ईमेल्स मे कंसिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, कुछ ऑफर भी हम कर सकते हैं, ई ईमेल बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और सॉलिसिट सेल्स एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एनी थिंग दैट हेल्प्स द बिजनेस as well as the company. So ये चीज़ें किसके अंदर आएंगी, email marketing के अंदर आएंगी। email advertisement भी हो सकती है, offer भी हो सकती है, कोई book भी हो सकती है, कोई sales से related चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। So कुछ हम facts and figures देख लेते हैं about email marketing। पहला है जी, marketing weekly वालों ने बोला है जी, जो 73% जो marketers हैं, ठीक है, वो email marketing कहते हैं जी, email marketing जो है अभी भी number one digital marketing platform है, ठीक है, फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये उनकी राय है, मार्केटिंग वीकली जो कंपनी है, ठीक है। एडोब वाले क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी, एज मच एज 58% ऑफ द मिलेनियल्स क्लेम दैट दे प्रेफर टू बी कॉन्टेक्टेड विया ईमेल। जो 58% लोग हैं वो कहते हैं जी कि वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं उनसे ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाए, ठीक है। स्टैटिस्टिका क्या कहते हैं जी, जीमेल क्लेम कर रहे हैं इस बात को, ठीक है, कि इट हैज़ मोर देन 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड। सो मोर देन 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स होंगे जब ई मेल के, तो डेफिनेटली ई मेल इज़ अ ग्रेट वे टू डू सम मार्केटिंग, ठीक है। और अगला आ गया जी मेल जिन, इनका 89% कहते हैं जी, जो मार्केटर्स हैं वो एग्री करते हैं इस बात से कि ई मेल जो है प्राइमरी लीड जनरेशन चैनल है उनके लिए, ठीक है। जो ब्लू कैंगरो स्टडी है वो बताती है कि 10 में से 7 लोग ये कहते हैं कि they have made use of the vouchers given to them via email marketing. उन्होंने आखिरी या लास्ट वीक के अंदर 10 में से 7 बंदों ने वो वाउचर्स को यूज़ किया जो उन्हें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। सो आगे एक और फैक्ट है कि 82% ऑफ द कंज्यूमर्स जो हैं चेक करते हैं और ओपन करते हैं ईमेल्स जो उन्हें किसी कंपनी की तरफ से आती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं जी, कि $1 अगर आप स्पेंड कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के, ठीक है, तो वो इन रिटर्न आपको $44 अब राउंड अबाउट $44 आपको क्या करेगी, यील्ड करके देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इतना मिलता है ईमेल के थ्रू भी। सो ईमेल कन्वर्ट्स 3 times मोर ट्रैफिक देन सोशल मीडिया। सो ईमेल जो आपकी है 3 गुना ज़्यादा आपको सेल्स भी करके देगी, ट्रैफिक भी देगी एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया। सो हाउ टू डिवाइस अ सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग प्लान, हम मार्केटिंग प्लान कैसे बना सकते हैं जो कि सक्सेसफुल हो। बिफोर वी टॉक अबाउट द स्टेप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट यू आर अ गेस्ट इन सम वंस इनबॉक्स। ऐसा समझ लें कि आप किसी के इनबॉक्स में एज ए गेस्ट हैं, ठीक है। इवन दो यू माइट थिंक योर ईमेल इज़ यूनिक, आप ये सोचते होंगे कि आपकी ईमेल यूनिक है, एंड इंटरेस्टिंग चांसेस आर दैट कस्टमर माइट थिंक योर इज़ द यूजुअल स्टफ, नथिंग यूनिक, नथिंग डिफरेंट। मतलब कि आपने जब भी ईमेल करनी है अपने कस्टमर्स को, सो इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम अदर, कह सकते हैं अदर ब्रांड्स, अदर कंपनीज, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन इन द बेस्ट ऑफ योर बिहेवियर एट ऑल टाइम। सो ये आपके लिए नेसेसरी है कि हमेशा अपना बेस्ट से भी बेस्ट करें,
बेस्ट से बेस्ट ईमेल राइट करें, ठीक है, सो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसे लोग हैं। सो ये पहला स्टेप है हमारे पास कोई भी ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। सो वंस यू गेट अ ग्रास्प ऑफ हु आर योर ट्रेड रीडर्स, जब आपको इस बात की ग्रिप मिल गई है कि आपके रीडर्स कौन हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं, ठीक है, ईमेल कैंपेन से उन्हें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या चीज़ें वो मतलब के चाहते हैं, डिमांड क्या है उनकी, ठीक है, एक्साइटेड है उन चीज़ों को रीड करने में जो आप उनको ईमेल करेंगे। सो अगर इन चीज़ों का आपको पता लग गया, देन यू आर सपोज यू ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइन हु दे आर। अगर आपके पास ऑलरेडी लेट्स से कि यूट्यूब का चैनल है, या लेट्स से कि आपके पास मिलियंस ऑफ ईमेल्स ऑफ योर कस्टमर्स अवेलेबल हैं, सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। आर दे द पीपल यू हैव रीच्ड यू थ्रू योर वेबसाइट, क्या ये वो लोग हैं जिन मतलब जो आप तक पहुँचे आपकी वेबसाइट के थ्रू, या आप उनको अपनी वेबसाइट के थ्रू पहुँचें, आर सिंपली जनरल ऑडियंस, या कि वो सिंपल ऑडियंस हैं, मतलब जनरल ई मेल्स हैं आपके पास। एक होता है लेट से कि मैं कह सकते हैं जी कोई प्रोडक्ट है मेरी, लेट से कि क्लॉथ्स बेच रहा हूँ मैं, या कोई इस तरह की चीज़ें बेच रहा हूँ। सो जो ऑडियंस है वो वही चीज़ें बाय करने वाली, या जनरल ऑडियंस है, ठीक है। सो इट इज़ मतलब इन चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। लेट्स से कि मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ जी, मुझे एजुकेशन वाले लोग चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, सो मुझे कोई जनरल ईमेल्स उठा के दे दे जो बूढ़ों की भी हों, जवानों की भी हों, बच्चों की भी हों, ठीक है, लड़कियों की भी हों, जो एजुकेशन जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरी मनी भी वेस्ट होगी। सो इन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ योर ईमेल, आप जो कंटेंट लिखेंगे ईमेल के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए मैंने क्या राइट करना है, ठीक है। सो आपने अपने ऑडियंस के हिसाब से मैसेज टाइप करने है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस विच यू विल सेट एज पर योर स्टैंडर्ड्स, राइट। इट इज़ अप टू यू वेदर यू मीट योर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और नॉट, ये आप तक है कि आप अपने कस्टमर की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस उनको मीट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सो आपने जो अपना मैसेज लिखना है ईमेल के अंदर, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड मस्ट बी कॉन्साइज, ठीक है। सो टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रिएट एंड गैदर ग्रेट कंटेंट, कैसे आप कर सकते हैं अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं उसके अंदर ईमेल के अंदर। ट्रीट योर रीडर्स एज वीआईपीज, अपने रीडर्स को एज ए वीआईपी ट्रीट करें, ठीक है। वैल्यू द परमिशन ऑफ एंटरिंग द इनबॉक्स दैट योर रीडर्स हैव गिवन यू, मतलब अगर उन्होंने आपको ईमेल की ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप उनको ईमेल कर सकते हैं, सो आप उनकी इस बात का एहतराम करें, उनको इज्जत दें, मतलब उनको इनवैल्यूएबल थिंग्स ना भेजें, उनको वही चीज़ इनबॉक्स करें जो उन जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हों, बेसिक सिंपली, ठीक है। दे शुड बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट एनी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स सेल्स एंड एनी न्यू वेंचर्स बीइंग इनिशिएटेड बाय यू, मतलब आपने ईमेल किस चीज़ से रिलेटेड, अगर आपकी कोई नई प्रोडक्ट आई है, कोई नए सेल है, कोई नया वेंचर है जो आपने स्टार्ट किया है, सो यू कैन ईजिली ईमेल देम, ठीक है, आप उनको बता सकते हैं और प्रॉबेबली वो ओपन भी करेंगे, रिस्पॉन्स भी करेंगे, चीज़ें बाय भी करेंगे, बुकिंग्स भी करेंगे, ठीक है। ऑल्सो गिव देम एक्सेस टू स्पेशल बेनिफिट्स, उनको स्पेशल बेनिफिट्स भी दें, ठीक है। लेट्स से कि आपने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, सो आपने उनको स्पेशल बेनिफिट्स भी देने हैं, मतलब कि लेट्स से कि मैं नई प्रोडक्ट स्टार्ट की, मैं कहूँगा कि फर्स्ट 100 जो ये प्रोडक्ट है या जो चीज़ है या ये सर्विस है उनके लिए 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, सो वो आएंगे, ट्रैफिक आएगी, लोग बाय करेंगे, ठीक है। सो गिव इट सम ओम्फ, नोबडी वांट्स अ डल एंड बोरिंग कंटेंट, जाहिर सी बात है, टू रीड इवन इफ इट इज़ सिटिंग आइडली इन देयर इनबॉक्स, सो ये आइदर इट विल गेट डिलीटेड और स्पैम, या उसे डिलीट कर देंगे या स्पैम के अंदर चला जाएगा। सो इंजेक्ट सम फैक्टर टू योर कंटेंट बाय गिविंग सम पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, सो प्रेफरेबली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, दूसरों से ज़रा डिफरेंटली जाएँ, ठीक है। राइटिंग एज इफ़ यू आर टॉकिंग पर्सनली टू योर राइडर, ऐसे राइट करें अपनी ई मेल के अंदर कॉन्टेंट कि आप उसे पर्सनली फेस टू फेस बैठ के आप उससे बातचीत करेंगे, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो एड सम ह्यूमर, कुछ ह्यूमर भी एड कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट के अंदर एंड मेक इट मोर एक्साइटिंग, उसको आप एक्साइटिंग भी बना सकते हैं फॉर द रीडर एंड फॉर द एंड फॉर द रीडर टू रीड एंड इंटरप्रेट, ठीक है। सो एड्रेस इट टू योर रीडर, अपने रीडर के साथ चीज़ें एड्रेस करें डिटेल में, विदाउट हैप्पी एंड लॉयल कस्टमर्स अ कंपनी कैन नॉट बेनिफिट, मतलब कि जब तक आपके कस्टमर्स आपकी कंपनी से खुश नहीं होंगे, लॉयल नहीं होंगे, सो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा उनसे। सो एड्रेस द कंटेंट टू द वांट्स ऑफ योर रीडर, उनकी
मतलब कि उनके मुताबिक अपना कंटेंट एडजस्ट करें, मेक इट एज़ यूज़फुल एज़ यू कैन, जितना यूज़फुल उसको बना सकते हैं बनाएं, मेक श्योर योर कंटेंट बेनिफिट्स योर कस्टमर, मतलब इस चीज़ का ख्याल रखें कि यूज़र को कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो, ये ना हो कि यूज़र उसको ओपन करे और डिलीट कर दे एंड योर एफर्ट विद योर मनी इज़ गोइंग टू बी वेस्टेड। सो कीप इट शॉर्ट, अपने जो ई मेल है उसको शॉर्ट रखें, क्योंकि शॉर्ट थिंग्स को लोग ज़्यादा रीड कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बिग पैराग्राफ्स, सही है। सो रिसर्च इस बात को शो करती है जी, 2014 से 2018 तक एन एवरेज ऑफिस वर्कर रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली 90 ईमेल्स अ डे। सो आपने बुल्क ऑफ ईमेल सेंड करके अगले बंदे को परेशान नहीं करना, बम्बार्ड नहीं करनी, ठीक है। सो शॉर्ट ईमेल सेंड करें और कम ईमेल सेंड करें, ठीक है। सो डिटरमिन द टाइम, टाइम किस मतलब किस टाइम आपने ईमेल सेंड करनी है, यूज़र किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी सेंड करनी है एंड ड्यूरेशन ऑफ योर न्यूज़ लेटर्स, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। सो आपने आया कि वीकली सेंड करनी है, डेली सेंड करनी है, या वीक में 2-3 बार सेंड करने हैं अपनी ईमेल न्यूज़ लेटर्स, सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है। आपने डिसाइड करनी है ये चीज़ें। सो टाइम आपने डिसाइड करना है किस टाइम मैंने ईमेल सेंड करनी है। सो लेट्स से क्या भाई, पाकिस्तान में है लोग ज़्यादातर मोबाइल मेनली जो शाम के टाइम यूज़ करते हैं, मतलब जब वो फ्री होते हैं शाम और रात के टाइम, ठीक है। सो दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो बेसिकली काम पे होते हैं। सो जो शाम का टाइम है, आई थिंक दैट विल बी द बेटर टाइम टू डू ईमेल मार्केटिंग। सो हर कंट्री के लिहाज से ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है। क्रिएट अ टाइमलाइन, टाइमलाइन क्रिएट करें, ठीक है। उस पर डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स का आपको पता होना चाहिए, सो डोंट मिस दैट डेट्स एंड इवेंट्स। लेट्स से कि कोई इवेंट आया, लेट्स से कि ईद आ रही है, ठीक है। सो आपने क्या करना है उस हिसाब से, मतलब कि आया जी ईद आई है, ईद पे इतने परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये नई वेराइटीज़ आई हैं हमारे पास, यू कैन डू ईमेल, ठीक है, विद योर वेबसाइट लिंक, ठीक है। हैविंग अ प्रॉपर टाइमलाइन विल इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। सो प्रॉपर टाइमलाइन जब आपकी होगी, सो दैट विल गिव यू बेनिफिट्स, ठीक है, इन ऑल द लेवल्स, वेदर दे इंक्लूड राइटर्स, डिज़ाइनर्स, मैनेजर्स, कोई भी हो, सो दे विल हैव अ डेडलाइन टू वर्क फॉर। मतलब कि आप ईद आ रही है, ईद से महीना 2 महीने पहले आपने ये चीज़ें रेडी कर लेनी है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट 15-20 days अर्लियर टू ईमेल टू योर कस्टमर्स, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या होंगे हमें ईमेल मार्केटिंग के, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट आएगी, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट पैकेज है यू कैन डू दिस, ठीक है, फ्रीली। उसके बाद और क्या चीज़ है, बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है ईमेल मार्केटिंग का, दैट इट्स अनमैच कैपेसिटी टू यील्ड अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हायर इन्वेस्टमेंट आपको देगी विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, सही है। सो जो डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन है और डिमांड मेट्रिक है मार्केटर्स का US के अंदर, उन्होंने एक सर्वे किया, उस सर्वे ने बेसिकली उनका क्या बताया कि जो ईमेल है मीडियन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, 21-22%, विच वॉज 4 times ग्रेटर दैन एनी अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, पेड सर्च एट्सेट्रा, ठीक है। सो इंक्रीज द इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ईमेल मार्केटिंग थ्रू आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी टू क्यूरेट पर्सनलाइज मैसेजेस बेस्ड ऑन पर्सन डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरेस्ट, लाइक इट्स प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा, ठीक है। सो रीच द ग्लोबल ऑडियंस, ईमेल के थ्रू आप ग्लोबल ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ग्लोबली सेल कर रहे हैं। सो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, आप ग्लोबली लोगों तक पहुंच सकते हैं, एक कंट्री में बैठकर डिफरेंट कंट्रीज तक आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, बूस्ट सेल्स ऑफ द कंपनी, ईमेल्स ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है, ईज़ ऑफ शेयरिंग, आप इजीली चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, विया ईमेल, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके मेन्यू शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों के, ठीक है। अगर आपकी रेड शेक रेस्टोरेंट है या इस तरह की पिज़्ज़ा बर्गर टाइप्स आपकी शॉप है, सो यू कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद योर कस्टमर्स विया ईमेल, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली टाइप अ ईमेल एंड सेंड टू द सेंडर्स आईडी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उसमें हम देखेंगे प्रॉपरली कि ईमेल मार्केटिंग से हमें किस टाइम ईमेल सेंड करनी है, किस फॉर्मेट में सेंड करनी है, हमें क्या एडवांटेज इससे हो सकता है, इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है ईमेल मार्केटिंग की।